अब बढ़ते हैं इंसानियत को सबक देने वाले सोशल मीडिया में वायरल एक तस्वीर की तरफ। सोशल मीडिया में इन दिनों एक बुजुर्ग शख्स की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर में एक बुजुर्ग शख्स नाप तौल करते हुए नजर आ रहे हैं और चाय की पत्ती तौलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर की खास बात यह है कि बुजुर्ग जिस तराजू में चाय की पत्ती तौल रहे हैं उसमें वजन के साथ साथ चाय की पत्ती जिस पैकेट में पैक कर रहे हैं उसका भी वजन बराबर तौलते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग का इस तरह बराबर नाप तौल करना इंसानियत के लिए एक सबक है, क्योंकि आज के लोग नाप तौल में कमी करके अपने आप को बहुत होशियार और कामयाब बिजनेसमैन समझते हैं, लेकिन इस तरह नाप तौल में कमी करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने कुरान सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाया कि जब नाप तौल करो तो भरपूर पैमाने से नापो और सीधी तराजू से तौलो, यही बेहतर है अंजाम के लिहाज से। ये तस्वीर इस आयत पर अमल करने की एक मिसाल है। आपको बता दें कि बराबर नाप तौल नहीं करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर फिर भी लोग नाप तौल में कमी करेंगे तो अल्लाह अज़ाब नाज़िल करेगा। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नाप तौल में कमी करेंगे तो अल्लाह दुनिया में कैद साली में डाल देगा और जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा या हुक्मरान जालिम हो जाएंगे। आज दुनिया में अक्सर इंसानियत इन अजाबों से जूझ रही है, इसलिए नाप तौल में कमी करने से बचें। इससे माल बढ़ता नहीं बल्कि बरकत खत्म हो जाती है और ऐसा करना अल्लाह के अजाब को दावत देने का जरिया है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।